हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो पढ़ाई भी अच्छे से चली रही होगी और टेंशन में तो दिख ही रहे हो सबके सब, ठीक है? तो भाई आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है जरूर मुझे बताया करें। भाई मुझे भी तो पता चले कि आप लोग कितने पानी में डूबे हुए हो, कितने आसमान में हो, साल भर तो वही किए हो घूम घूम के। तो चलिए भाई, आज के लेक्चर में हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, सबसे पहले हम उसकी हम बात करने वाले हैं। तो बेटा आपको ध्यान होगा कि यूनिट थ्री का हमारा सेशन चल रहा है और हम उसमें एक अंक वाले प्रश्न की बात कर चुके हैं, हम दो अंकों की भी बात कर चुके हैं क्योंकि पेपर में आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं बेटा तीन अंक के क्वेश्चन के बारे में, तीन और पांच अंक के बारे में हम बात करेंगे धीरे धीरे से। तो आज जो हमारा रहेगा वो तीन अंक रहेगा, तीन अंक का मैं दो पार्ट बनाने वाली हूँ। आप सोचोगे मैडम उसमें कम क्वेश्चन डाली हूँ, क्यों कम क्वेश्चन डाली हूँ? क्योंकि इतना सारा अगर मैं डालूंगी एक ही पार्ट में तो आप पढ़ नहीं पाओगे। तो कुछ प्रश्नों को मैं क्या करूंगी, ऐड करके एक जब पांचवे आपका बताऊंगी मैं पांच अंक के प्रश्न को, तो तीन अंक के प्रश्नों को भी ऐड करूंगी, पांच अंक के प्रश्नों को भी वहां पर ऐड करने वाली हूं। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान देते रहना आप लोग, बिल्कुल भी माइंड को ओपन करके रखो, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कहां कहां से आते हैं, छोड़ देते हो आप लोग पेपर को वो भी क्वेश्चन आ जाते हैं, उसकी भी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं, आप लोग भी मेरे साथ मजे के साथ स्टार्ट हो जाओ पढ़ने के लिए। कॉपी पेन खोल कर रखा करो क्योंकि डायग्राम आपको ही बनाना पड़ेगा, ठीक है? मुझे ही मेहनत करवाते रहोगे क्या? चलो खुद भी मेहनत करते जाओ। अब आते हैं हम सीधे अपने कक्षा बारहवीं के सीजी बोर्ड के चैप्टर की हम बात करेंगे, जिसमें यूनिट थ्री में थ्री अंक वाले प्रश्न में तीन चैप्टर सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से, जहां से पांच अंक के प्रश्न मैं बार बार रिपीट करती हूँ, और आपके मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव और खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। तो इस चैप्टर को बेटा एकदम अच्छे से करना है, आपको ध्यान देना क्योंकि पांच अंक का प्रश्न कहीं से भी बन सकता है। यहाँ से बताऊंगी कहाँ कहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन बने हुए हैं उसके लिए, ठीक है? तो टेंशन नॉट, घबराओ मत, मैं हूँ, ठीक। चलो आते हैं हम पहले प्रश्न की ओर। हम अगर बात करते हैं तो ये आया है और आपके एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन पूछा गया है और आपके सीजी बोर्ड का भी ये क्वेश्चन बनता है। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे, तीन अंक का प्रश्न यहाँ से उठता है, बिल्कुल उठता है, ठीक। तो चलिए प्रश्न क्या लिखा है, निम्नलिखित में भेद कीजिए, प्रत्येक के दो उदाहरण दीजिए। चलो हटा दो भाई, प्रश्न लिखा है क्या, भेद मतलब होता है डिफरेंस, यानी कि अंतर क्या है। चाहे तो अंतर भी आ सकता है, अगर अंतर ना भी लिखा हो तो ये भी हो सकता है कि ये जो आपका पहला जो प्रश्न है सहज, यानी कि जन्मजात और उपार्जित जो प्रतिरक्षा है वो होता क्या चीज है, ठीक है? तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये अंतर में आए, आपको ऐसे भी बिना अंतर के भी पूछा जा सकता है, परिभाषा भी पूछा जा सकता है कि उपार्जित प्रतिरक्षा क्या होता है, तो इस चीज को याद रखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों प्रतिरक्षा की बात करेंगे, यहाँ पर सहज और उपार्जित प्रतिरक्षा क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, और सक्रिय और निष्क्रिय यानी कि अक्रिय प्रतिरक्षा क्या होता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है? तो क्या पूछा, पहली बात तो ये कि अंतर पूछा। तो अंतर पूछा तो ध्यान रखो, मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, जब भी अंतर पूछेगा तब आप एक बॉक्स में ही करके बनाएंगे, ठीक है? ये नहीं कि रोल मारने के लिए पहले आप सहज का लिख दिए, बाद में उपार्जित का लिख दिए, बढ़िया मैं अच्छा इतना पेज मेरा भर जाएगा, है ना? तो पेज भरने का तो दिमाग से हटा दो, जो पूछा क्वेश्चन उतने ही सॉल्व करोगे, एक्स्ट्रा दिमाग अपना नहीं लगाओगे, बार बार रिपीट कर रही हूं, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न में सहज प्रतिरक्षा की अगर हम बात करेंगे और दूसरे क्या है उपार्जित प्रतिरक्षा, दोनों में अंतर की हम बात करेंगे कि सहज प्रतिरक्षा क्या होता है, उपार्जित प्रतिरक्षा क्या होता है, ठीक है? तो ध्यान दो, सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित, सहज का क्या मतलब होता है भाई, जो ऐसी प्रतिरक्षा प्रणाली क्या होता है, ऐसी प्रतिरक्षा प्रणाली होती है सहज प्रतिरक्षा जो होता है, जिसको हम कहते हैं इनेट, जो कि जन्मजात होती है, वो जन्म से ही उत्पन्न होती है, वो ये नहीं कि आप बड़े हो जाओ उसके बाद वो चीजें आए, उसको हम लोग कहते हैं सहज प्रतिरक्षा। तो अच्छा ये चीजें तो ठीक है भाई, सहज प्रतिरक्षा के बारे में बता रही हूं, लेकिन एक चीज आप लोग को याद होगा, हमने प्रतिरक्षा के बारे में पढ़ा हुआ है, याद करो, ठीक है? प्रतिरक्षा क्या होता है, तो ये भी क्वेश्चन बनता है बाद में सहज में आना, पहले तो प्रतिरक्षा क्या होता है ये मुझे कमेंट करके जरूर बताओ, क्योंकि पिछले ही लेक्चर में हमने प्रतिरक्षा क्या होता है इसके बारे में पूरा बात किया हुआ है कि परिभाषा आए तो क्या लिखना है, प्रतिरक्षा क्या होता है भाई आप लोग बताओ, जरूर बताओ। तो रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है, जो आपके शरीर में पहले से पाई जाती है, वही तो प्रतिरक्षा है, ठीक है? कौन करता है, बी सेल टी सेल ही तो करते हैं, तो क्या सिर्फ बी सेल टी सेल करते हैं क्या? हमने तो पिछले लेक्चर में बी सेल टी सेल की बात की थी ना, की थी कि नहीं की थी? वही क्या है, प्रतिरक्षा तंत्र का काम करते हैं, प्रतिरक्षा कोशिका है वो,
लेकिन अब मुझे एक चीज बताइए, क्या आपके शरीर की त्वचा जो होती है, क्या वो आपके शरीर की त्वचा प्रतिरक्षा नहीं करती क्या आपकी? मतलब हमारा जो शरीर का ये है त्वचा जो है, क्या बाहर से आए सूक्ष्म जीवों के लिए हमारी प्रतिरक्षा का काम नहीं करी, हमारी रक्षा नहीं करती क्या? हमारे आंखों का जो आंसू कचरा चला जाता है, आंख से आंसू से बाहर निकल जाते हैं, क्या आंखों का आंसू जो है वो प्रतिरक्षा का कार्य नहीं करता है क्या? बिल्कुल करता है। तो भाई साहब ध्यान रखेंगे आप सभी लोग कि आंखों का आंसू हो, ठीक है, चाहे नाकों का बाल, हम नाक की अगर बाल की भी बात करें, हेयर की भी बात करें, तो भी वो हमारी प्रतिरक्षा का ही कार्य करती है, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ और सिर्फ बी सेल और टी सेल ही होंगे जो हमारी प्रतिरक्षा करते हैं, ठीक है, वो तो बाद में हो रहा है, पहले तो हमारे जन्म जात ही हमारे अंदर प्रतिरक्षा है। तो ध्यान दो यहां पर क्या क्या चीजें लिखी है, इसके बारे में हम बात करते हैं। अब वापस आते हैं हमारे किस पर, सहज प्रतिरक्षा पर। तो सहज का मतलब होता है ऐसी प्रतिरक्षा प्रणाली होती है जो जन्म से ही हो रही है, ठीक है। तो जन्म से होने वाली प्रतिरक्षा को हम क्या बोलते हैं बेटा, सहज प्रतिरक्षा कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें क्या होगा भाई, जैसे ध्यान देना, जैसे हम बात करते हैं ना कि हमारे अंदर स्वयं, मतलब हम बचपन जैसे पैदा हो रहे हैं हमारे आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं, हो रहा है, हमारे शरीर का त्वचा हमको रक्षा कर रहा है, ये क्या है, ये जन्म से ही तो है, हमने बाहर से तो नहीं लिया प्रतिरक्षा, ये जन्म से ही उत्पन्न है हमारे अंदर, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, सहज प्रतिरक्षा कहते हैं, ठीक है। और क्या क्या चीजें इसके बारे में जानते हैं, तो ध्यान देना, यदि किसी प्रकार से रोग कारक शरीर में प्रविष्ट होता है, यानी कोई भी सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, जीवाणु, वायरस, कुछ भी अटैक करता है, ठीक है, तो क्या होगा भाई, शरीर में जब प्रविष्ट होने में सफल हो जाते हैं, मतलब ये इतना टैलेंटेड हो गया आपका सूक्ष्म जीवाणु कि आपके शरीर में प्रवेश कर गया, अगर कर गया तो क्या होगा भाई, तो वो क्या कहलाएगा, प्राकृतिक प्रतिरोधकता या सहज प्रतिरक्षा के घटक या वृहद भक्षाणु कहते हैं, और इन्हें समाप्त कर देते हैं। कहने का मतलब ये है, बहुत ज्यादा लैंग्वेज हो गया, अपने लैंग्वेज में हम बात करते हैं, मान लो जाए आपके अंदर कोई भी भक्षाणु आ गया, ठीक है, मान लो जाए आ रहा है टिंग 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 करके अंदर जा रहा है, ठीक है। तो अगर कोई भी चीज जो है, चीज मतलब आपके कोई भी बाहर के जो सूक्ष्म जीव, वायरस जो भी है, वो अंदर अटैक कर रहे हैं, वो जैसे अटैक कर रहे हैं, ये हमारे जो शरीर है वो तुरंत उसको डिलीट कर दे रहा है, मतलब हटा दे रहा है, बाहर उसको अंदर प्रवेश करने नहीं दे रहा है। तो यही तो होता है आपका क्या, सहज प्रतिरक्षा। चाहे किसी की बात करो आप, कोई भी आ सकता है ना, हो सकता है कोई आप बाहर का, जैसे आप कुछ भी, क्या नाम ले आप उसका, हम चलो वायरस की बात करते हैं, ठीक है। तो कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो आपको फट से अटैक कर देते हैं, लेकिन कुछ वायरस ऐसे होते हैं आपके अंदर ही ऐसी शक्तियां होती है, या हम यूं कहें हमारा त्वचा ही ऐसा होता है कि उसको प्रवेश करने नहीं देता है, ऐसा ध्यान में रखना, ठीक है। और क्या होता है भाई सहज प्रतिरक्षा, यह जीवों की सुरक्षा हेतु प्रथम रक्षा पंक्ति बनाती है। सीधी सी बात है, त्वचा क्या है, आंसू क्या है, ये हमारे अंदर स्वयं पैदा होने वाला। अच्छा एक चीज और, हमारे अमाशा होता है, हम लोग पढ़े हो ना, हम लोग 11वीं में पढ़ा हुआ है, हमारे जो स्टमक होता है उसमें HCl अम्ल पाया जाता है, पाया जाता है कि नहीं, HCl अम्ल होता है जो क्या करता है, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है, मार देता है HCl अम्ल, है ना। तो अब मुझे बताओ कि HCl अम्ल को हम क्या बाद में लिए थे, क्या हम बाद में उस कोशिका को लिए थे, मतलब जो HCl अम्ल है हम बाद में तो नहीं डाल दिए थे अपने स्टमक में, नहीं ना, वो तो बचपन से है हमारे अंदर, स्टमक तो बचपन से हुआ है। तो अब स्टमक में जो HCl सूक्ष्म जीव को मार रहा है, इसका क्या मतलब, वो जन्मजात है, समझ आ रहा है बेटा, वो जन्मजात है, वो शुरू से है। तो ये क्या है, ये प्रथम रक्षा पंक्ति ये क्या है, बना देती है। ध्यान दे रहे हो आप लोग, मैं क्या बोलना चाह रही हूं, तो ये होता है क्या, जैसे देखो त्वचा के बारे में दिखा है, ठीक है, आंसू में मौजूद, जो आंसू में भी हमारे अंदर क्या होता है, रोग को मारने की एक क्षमता होती है। देखना कभी भी बैक्टीरिया चले जाए तो वह आंसू के माध्यम से बाहर निकल जाता है, ठीक है। भक्षकाणु कोशिकाएं जैसे होती है, भक्षकाणु कोशिका का मतलब होता है आपका बी सेल और टी सेल की बात हो रही है, बी लिम्फोसाइट सेल और टी लिम्फोसाइट सेल की बात हो रही है। ये क्या करते हैं हमारे शरीर में, पहले से उत्पन्न होते हैं और ये नष्ट करने का कार्य करते हैं रोगाणुओं को। समझ आया कि नहीं आ रहा है, ध्यान दो। चलो
उपार्जित रक्षा प्रणाली ये क्या होता है भाई। अभी हमने बात की ना सहज की, जब बात की तो सहज में हमने बताया भाई साहब ये तो मतलब शुरू से आ रहा है ना। सहज की में हम क्या बोले कि ये तो शुरू से आ रहा है, बचपन से आ रहा है, जन्म जात है। तो अच्छा जन्म से ही उत्पन्न है हमारे अंदर, ठीक है। स्टमक है तो स्टमक के अंदर जो HCl अम्ल है वो भी बचपन से आ रहा है, मतलब जन्म जात से ही आ रहा है। तो वो कैसे है, सहज प्रतिरक्षा प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट उपार्जित की अगर मैं बात करूं तो ये विशिष्ट है भाई, ठीक है, स्पेसिफिक है। जब हम बड़े हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि अब हम जन्म जात नहीं, ये वृद्ध मतलब बड़े होने के बाद हमारा जब शरीर पैदा हो चुका, हम बड़े हो रहे हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर क्या हो रही है, इम्यूनिटी पावर बढ़ रही है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं, ठीक है। तो यह जन्म के बाद व्यक्ति अर्जित करता है, ठीक है, व्यक्ति इसको क्या करता है, ले रहा है, अर्जित कर रहा है, ठीक है। तो शरीर के भीतर प्रवेश करने वाले विशिष्ट एवं हानिकारक पदार्थों को विशेष अभिज्ञान द्वारा पहचानेगा, उसके बाद ही नष्ट करेगा। बोलेगा आ बैल मुझे मार, ये नहीं काम करेगा। बोलेगा तू आके तो दिखा, फिर तेरे को नष्ट करूंगा, ये वाला काम हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर बात ये हो रहा है कि यदि कोई भी हानिकारक पदार्थ जो है आपके शरीर में प्रवेश करेगा तब जाकर के ये उसको मारेगा। ये जन्मजात नहीं है बेटा, ध्यान देना। ये कब है, जब हम बड़े हो चुके हैं, ठीक है, कोई भी स्टेज हो सकता है, ये जन्म के बाद के स्टेज, ठीक है, तब ये हो रहा है। यह पूरक यानी कि सप्लीमेंट्री प्रतिरक्षी की तरह कार्य करता है, अर्थात प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता के आंशिक या पूर्ण रूप से असफल होने पर यह पूरक प्रतिरक्षी की तरह कार्य करता है, जैसे बी एवं टी कोशिकाओं की बात हो रही है, ठीक है। हमारे शरीर के अंदर जब हम बड़े हो जाते हैं, जैसे होते हैं ना अचानक से, अब हमको कैंसर होना है, हमको पता था कि कैंसर होगा, हमारे अंदर एड्स वायरस आ जाएगा अचानक से, हमको पता था कि हम तो बड़े हो रहे हैं तब जाके हमको ये वायरस हो रहा है ना। जैसे एड्स जो आया हमको डिसीज हो रहा है, तो जब हम बड़े हुए तब हमको एड्स वायरस हुआ। तो एड्स को मारने के लिए मेरे शरीर के जो बी सेल टी सेल ही काम कर रही थी, धीसी धीसी बात है। या हम कैंसर सेल की बात करें तो कैंसर से भी लड़ने के लिए हमारा बी सेल टी सेल सबसे पहले वर्क किया होगा, सीधी सी बात है ना। कि बाहर से कोई भी एंटीजन जब आता है तो हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर क्या हो जाती है, धीरे धीरे बढ़ने लगती है उसको किल करने के लिए, ठीक है। तो यही क्या कहलाता है, आपका उपार्जित प्रतिरक्षा कहलाता है। समझ आ रहा है ये चीजें, तो इसी को बोलते हैं जन्मजात और इसी को बोलते हैं क्या, आपका उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं, ठीक है। आई होप ये चीजें टॉपिक आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट जो आता है जिसको हम कहते हैं क्या भाई, सक्रिय अक्रिय क्या होता है, ठीक है, कुछ नहीं है, बस सक्रिय अक्रिय ये भी वही है, उपार्जित का ही टाइप है ये, ठीक। तो सक्रिय में क्या होता है भाई, सक्रिय प्रतिरक्षा, और अक्रिय क्या होता है, इसमें स्वयं शरीर की कोशिकाएं हैं संक्रमण के प्रति एंटीबॉडीज उत्पन्न करती है, एक्टिव है, खुद से ही बना लेगा, चल बेटा अब तेरी कोई जरूरत नहीं है मुझे, मैं खुद ही बना लूंगा, ये काम होता है किसका, एक्टिव का, ठीक है। तो शरीर की कोशिकाएं ही संक्रमण के प्रति क्या करेगा, उससे एंटीबॉडी खुद ही उत्पन्न कर देता है और उससे लड़ लेता है, ठीक है। सेकंड में क्या है भाई, इसमें एंटीबॉडी बनने में समय लगता है, ध्यान देना, एंटीबॉडी बन तो रहा है लेकिन इसको बनने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ठीक है। चलो ये क्या होता है, ये हानि रहित होता है, यानी कि इसमें कोई हानि नहीं होती है, ये भी आप लिखेंगे। यह चीर स्थायी होते हैं, काफी लॉन्ग टाइम के लिए क्या होते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, समझ आ रहा है। चलो भाई नेक्स्ट आते हैं अक्रिय प्रतिरक्षा। सब प्रतिरक्षा का ही टाइप है, सब आपके बॉडी पर ही है, बस ध्यान देना है कि कब किसका क्या काम होता है, ठीक है। चलो इसमें अन्य जीवों के शरीर में विकसित एंटीबॉडी को एंटीजन के प्रभाव को नष्ट करने के लिए अन्य जीवों के शरीर में निवेशित किया जाता है। ये थोड़ा सा खतरनाक हो गया, काफी लंबा भी हो गया, तो समझ नहीं आया होगा, फिर से ध्यान देना। अन्य जीवों के शरीर में विकसित एंटीबॉडी को, कोई जीव है उनके शरीर में विकसित हुआ एंटीबॉडी है, उसको हम क्या करेंगे, एंटीजन के प्रभाव को नष्ट करने के लिए अन्य जीव के शरीर में निवेशित किया जाता है। बस सीधा सीधा ये बात है कि भाई इसको पकड़ो और इसके में ट्रांसफर मार दो एंटीजन को, जैसे एंटीजन किसी के में है तो एंटीबॉडी को पकड़ो ना यार, एंटीजन को मारने के लिए डाल दो उसमें,
ठीक है। मान लो जाए मेरे एक एग्जांपल देते हैं, मान लो जाए मेरे पास एक कुत्ता है, कुत्ते में क्या है भाई, उसके में एक एंटीजन आपका क्या है, एंटीजन आ गया है, तो मैं क्या करूंगी किसी और के शरीर में जो एंटीबॉडी बना हुआ है उसके पे जाकर ट्रांसफर कर दूंगी, यही क्या कहलाता है आपका, अक्रिय प्रतिरक्षा कहलाता है। समझ आ रहा है, यह तुरंत क्रियाशील हो जाता है, ध्यान देना ये तुरंत एक्टिव हो जाता है, और इसमें शरीर के द्वारा बाह्य एंटीबॉडी के प्रति अनुक्रिया से खतरा होने की संभावना ज्यादा, भाई बाहर से निकाल के ले जा रहे हो तो थोड़ा सा खतरा तो लगेगा ही ना, तो ये कहलाता है कि आपका अक्रिय प्रतिरक्षा होता है, इसीलिए ये स्थायी नहीं होता। भाई आपको जिस समय जरूरत था उस समय आप दिए हो तो ये कहां से स्थायी होगा, तो ये स्थायी नहीं होता है, ये कहा गया, तो स्थायी नहीं होते हैं, तो ये होता है क्या, सक्रिय और अक्रिय प्रतिरक्षा कहलाता है। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगर तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं, हमारा क्या है प्रतिरक्षी अणु का नामांकित चित्र के बारे में पूछा, तो सिर्फ चित्र को बनाना और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। तो ध्यान दो ये क्या है, एक प्रतिरक्षी अणु का डायग्राम है, और जब भी कभी भी एंटीजन आपका आता है बाहर से, ठीक है, मान लो जाए ये हमारा एंटीजन है वो आ रहा है आपका ये यहाँ पर, ठीक है, हमने यहाँ पर एंटीजन बना दिया, और इस एंटीजन में आप ध्यान दोगे ये हमारा क्या है एंटीजन, और ये जब एंटीजन अंदर प्रवेश करता है तो यहाँ पर होता है एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है, और ये एंटीजन बाइंडिंग साइट पर ही आकर ये क्या होता है जुड़ जाता है, तब ये जो आपका प्रतिरक्षी जो है यानी कि एंटीबॉडी है उसको क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, खत्म कर देता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से नाम होते हैं, उसके बारे में हम जानते हैं क्योंकि चित्र बनाकर नामांकित करना है। ये जो हमारा पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं एंटीजन, एंटीजन बाइंडिंग साइट कहते हैं, ठीक है, ये क्या है एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है। अब ध्यान देना एक प्रतिरक्षी जो अणु होता है चार पॉली पेप्टाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है, चार पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है। एक प्रतिरक्षी अणु चार पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है, ध्यान रखेंगे। अब चार में दो जो होते हैं पॉलीपेप्टाइड जो होते हैं जिसको हम कहते हैं क्या, हैवी कहते हैं, हैवी चैन कहते हैं, और दो जो होते हैं जिसको हम कहते हैं लाइट चैन कहते हैं, ठीक है, ध्यान देना दो होता है हैवी चैन होता है, दो होता है लाइट चैन होता है, ठीक है, और ये आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा, ध्यान देना डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। जो इतना नाम लिखी हूं यही आपको इसमें लिखना है, ठीक है, एक आपका क्या हो गया एंटीजन बाइंडिंग साइट हो गया, जैसे कि मैंने पहले ही कहा ये चार पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है, जो दो जो होता है जिसको हम कहते हैं क्या, ये होता है लाइट चैन कहलाता है, और इसको हम लोग कहते हैं हैवी चैन कहते हैं, ठीक है, ये लाइट चैन कहलाता है और ये हैवी चैन कहलाता है, दो लाइट चैन और दो हैवी चैन कहलाता है, ठीक है, और ये आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा, ये बीच में जो होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, ध्यान दे रहे हो आप लोग, ये हल्की चैन, ये भारी चैन हो गया, हैवी चैन हो गया, और ये एंटीजन बाइंडिंग साइट हो गया, इतना चीज आपको लिख करके नाम को अंकित करना है, दैट्स इट, खत्म करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, भाई लास्ट आपका जो प्रश्न है वो कैंसर के ऊपर है। अब कैंसर से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं, चाहे तो वो परिभाषा आ सकता है, चाहे तो कैंसर मतलब परिभाषा यानी क्या होता है, या हो सकता है उसके प्रकार के बारे में पूछ रहे, ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले क्या है, प्रश्न क्या है उसको पढ़ते हैं, कैंसर क्या है, कैंसर के प्रकार को भी लिखना है, और कैंसर रोग के प्रमुख कारण क्या होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान देना कैंसर क्या होता है, भाई कैंसर कुछ नहीं होता, अनकंट्रोल ग्रोथ होता है। कोई भी देखो हमारा अभी जो सेल है यानी हमारा शरीर है, और हमारे शरीर का क्या है कोशिका, हमारा शरीर पूरा किससे बना हुआ है, कोशिकाओं से बना है। चलो डायग्राम से समझते जाएंगे, देखो हमारा जो शरीर है वो किससे बना हुआ है, हमारा शरीर किससे बना हुआ है,
कोशिका से बना हुआ है। अब ध्यान देना, जो हमारा शरीर जो कोशिका से बना हुआ है, तो अब कोशिका, ये तो कोशिका हो गई, एक कोशिका से हमको पता है कि एक कोशिका से क्या बनता है, एक कोशिका से दो कोशिका बनता है, सीधी सीधी बात है। कितना कोशिका बनता है, एक से दो कोशिका बन जाता है। ठीक है भाई, हमने दो कोशिका यहाँ पर बना दिया। ठीक है, चलो ध्यान दो, जब मैंने कहा एक, ये क्या है भाई, एक कोशिका है सबसे पहले, और एक कोशिका से कितनी कोशिका बन गई, यहाँ पर दो कोशिका बन गई। पहली कोशिका ये हो गई और दूसरी कोशिका ये हो गई, यही होता है, एक से दो कोशिका बनता है। और दो से फिर से क्या बनेगा भाई, फिर से एक कोशिका इधर बन गया, फिर से इधर एक कोशिका बन गया, मतलब दो से फिर से चार कोशिका, चार से आठ, आठ से सोलह, ऐसा करके कोशिका का विभाजन होता है, सबको पता है। ठीक है, तो कोशिका में क्या होता है, ये जो आपका कैंसरस सेल क्या है, एक्चुअल में कैंसरस सेल होता है कोशिकाओं में, कोशिकाओं में ही अनियंत्रित ग्रोथ हो जाता है। ठीक है, असंगठित उत्तक का निर्माण हो जाता है, किसका निर्माण हो जाता है, असंगठित, असंगठित कोशिका का गुच्छा भी बोल सकते हैं, या हम यूं कहें कि उत्तक का निर्माण हो जाता है। ठीक है, किसका निर्माण हो जाता है, कोशिका ना कहकर उत्तक लिख सकते हो, असंगठित उत्तक का निर्माण हो जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, कैंसरस सेल कहते हैं। कुछ नहीं है, कैंसर मतलब क्या, अनियंत्रित हो जाएगा भाई, कोशिका का विभाजन बढ़िया से हो रहा है हमारे शरीर में। ठीक है, तो अब जब शरीर में कोशिका का विभाजन कंटिन्यू होते जाएगा, मतलब अनकंट्रोल ग्रोथ है वो, तो वृद्धि क्या है, अनियंत्रित वृद्धि है वो चीज, तो अनियंत्रित जब वृद्धि होने लग जाता है तो वो क्या कर देता है, एक समूह का निर्माण करता है। जैसे हम यहां पर बात करें, जस्ट देखो कैसे, जैसे हम बना देते हैं एक सेल बना दिए, हमारा ये क्या है, शरीर है, और हमारे शरीर में क्या है भाई, ये कोशिका पूरी बनी हुई है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर बढ़िया से कोशिका का क्या बना है, समूह बना हुआ है। ठीक है, अब ध्यान देना, अब इस कोशिका के समूह में, ये हमने बना दिया क्या, एक कोशिका बना दिया और कोशिका का समूह बना दिया, ये ज्यादा सही नहीं लग रहा क्या, मैंने गोला गोला बना दिया, ज्यादा ही हो गया क्या, चलो इसको ऐसा बना देते तो ज्यादा अच्छा लगेगा। देखो ये हमारा यदि सेल है, ये हमने बना दिया क्या, सेल बना दिया, और सेल ये हमारा बढ़िया नॉर्मल सा सेल है। ठीक है, अब इस नॉर्मल से सेल में, अभी तक तो ये नॉर्मल था, बढ़िया से अच्छे से ग्रो कर रहा है, डिवीजन कर रहा है, सही शॉट इसका काम चल रहा है। ठीक है, इसका कार्य भी बढ़िया चल रहा है, मतलब इसमें जितने भी सेल के ऑर्गन होते हैं, कोशिका के कोशिकांग होते हैं, वो सारे अपना बढ़िया से काम कर रहे हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन का कार्य, लाइसोसोम पाचक का काम जो है, ठीक है, एंडोमेट्रियम का काम, सबका बढ़िया कोशिका का, कोशिका के अंगों का काम चल रहा है। लेकिन इसी कोशिका में ही कुछ ऐसे कोशिका का समूह बन गया, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाता है, अनकंट्रोल ग्रोथ होने लगता है, क्या हो जाएगा, यहाँ पर अनकंट्रोल कोशिका का गुच्छा बनने लगता है, समझ आ रहा है, ये क्या है, कोशिका का गुच्छा, ये नॉर्मल कोशिका है, ये क्या है आपका नॉर्मल, ये क्या है नॉर्मल सेल है, लेकिन ये क्या है आपका, आपका कैंसर सेल कहलाता है। ठीक है, ये क्या है आपका कैंसर सेल है, या हम यूं कहें कि ये एबनॉर्मल सेल कहलाता है। ध्यान देना, कोशिका का विभाजन तो सही है, लेकिन यदि कोशिका का विभाजन अनियंत्रित होने लगे, यदि कोशिका का, कोशिका का विभाजन अनियंत्रित, नियंत्रित होने लगता है, तब इसे कैंसर कहते हैं, कैंसर सेल कहते हैं, कैंसर कहते हैं, समझ आ रहा है। तो इस चीज को याद रखना कि जब ये नॉर्मल सेल है तब तो कोई दिक्कत नहीं, कोशिका के विभाजन बढ़िया से हो रहा है, सब सारे सेल अपने अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन कैंसर सेल जब बनेगा, यानी कि कोशिका का विभाजन अनियंत्रित हो जाता है, अनकंट्रोल ग्रोथ होने लगता है, अनियंत्रित वृद्धि बोल सकते हैं, अनियंत्रित वृद्धि होने लगता है, तब हम इसको क्या बोलते हैं, कैंसर कहते हैं, क्योंकि देखो ना उत्तक का समूह बन गया है। ठीक है, अच्छा एक चीज देखे होगे, कभी कभी देखना, जो मैं जब ज्यादातर जो गांव के लोग होते हैं उनके में मैं ज्यादातर देखे मस्सा देखती हूँ, ट्यूमर, हम उसको आम भाषा में क्या कहेंगे, मस्सा बोल देते हैं, है ना, लेकिन अब अगर हमारे साइंस के लैंग्वेज में बात करें तो वो ट्यूमर है।
ठीक है, लेकिन वो ट्यूमर क्या होता है, हानिकारक नहीं होता। कहने का मतलब मेरा ये हो है कि कैंसरस जो सेल होते हैं, यानी कि हम उसको कैंसरस सेल को सीधे कैंसर नहीं कहते, एक प्रकार का हम क्या कहते हैं, ट्यूमरस सेल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ट्यूमर सेल कहते हैं। और ट्यूमर सेल के भी दो प्रकार होते हैं, ठीक है। जब अनकंट्रोल ग्रोथ होता है तब हम उसको क्या बोल दिए, हम इसको कह दिए क्या, ट्यूमर कह दिए, ठीक है, ट्यूमर बोल दिए ना। तो ये जो ट्यूमर होता है, ये जो ट्यूमर होता है, तो ट्यूमर के भी दो प्रकार होते हैं, ठीक है। पहला ट्यूमर है उसको हम लोग कहते हैं क्या, बेनाइन ट्यूमर कह देते हैं, बेनाइन ट्यूमर कह देते हैं। और दूसरे को हम लोग कहते हैं मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। ध्यान देना, मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, ट्यूमर जो होता है इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है बेनाइन ट्यूमर और दूसरा जो होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर, बेनाइन ट्यूमर क्या होता है, ये एक ही जगह स्थित होता है, ठीक है, ये सीमित क्षेत्र में होता है, सीमित क्या होगा, ये सीमित क्षेत्र में होगा। मतलब सपोज ऐसे कि मान लो जाए एक जगह का ट्यूमर हो गया, ठीक है, तो वो उतनी ही जगह पर रहेगा, उससे ज्यादा वो फैलेगा नहीं, ठीक है। मान लो जाए आप देख रहे हो कि ज्यादातर मैं देखती हूँ लड़कियों में ज्यादातर इस एरिया में है ना, इस भाग में आपके पीछे साइड के एरिया हो, चाहे आपकी बात करूं मैं ब्रेस्ट की बात करूं, वहां पर तो चलो ठीक है कैंसर सेल आ जाते हैं, लेकिन पहले ट्यूमर ही होता है, वो ज्यादातर फैलता नहीं है, ठीक। तो अब इसकी अगर मैं बात करूं, इसको हम कहते हैं बेनाइन ट्यूमर कहते हैं, क्योंकि एक सीमित क्षेत्र पर ही उपस्थित होता है, उसके बाद ये खत्म हो जाता है, ठीक है। तो हम इसको क्या, कैंसरस सेल नहीं कहेंगे, यहां पर हम कहेंगे बेनाइन ट्यूमर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर मैं मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करूं, तो मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, इसका क्षेत्र क्या हो जाता है, सीमित नहीं होता, असीमित हो जाता है। मतलब यह है कि ये ब्लड के माध्यम से ही दूसरे सेल ऑर्गन तक भी पहुंच जाते हैं, इसको हम कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर, अर्थात इसी को हम कहते हैं कैंसर कहते हैं। समझ आ रहा है, बेनाइन ट्यूमर एक सीमित क्षेत्र में, इसलिए हम इसको कैंसर नहीं कहते, लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है, कंटिन्यू फैलेगा, चाहे वो ब्लड के माध्यम से ही क्यों ना हो, वो फैलता है और क्या करेगा, दूसरे अंगों को भी, दूसरे सेल को भी प्रभावित कर देता है और अनियंत्रित ग्रोथ करने लगता है। सीमित क्षेत्र नहीं है, असीमित क्षेत्र है, ये कैसा है, असीमित क्षेत्र में फैला है। समझ आ रहा है, असीमित क्षेत्र में फैला है, इसी को हम कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। समझ आ रहा है, यही कैंसरस सेल कहलाता है बेटा। तो अब ये चीज ध्यान रखना, तो कैंसरस सेल जो होते हैं बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर, सीमित क्षेत्र असीमित क्षेत्र होता है और कैंसरस सेल यही कहलाता है, ठीक है। तो आई होप कैंसरस सेल क्या होता है ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। देखो डायग्राम भी देखो, ये क्या है, जो फर्स्ट नंबर में ये जो लिखा हुआ है यही है आपका क्या, कैंसर, ठीक है, क्या है, कैंसरस सेल कहलाता है। अब ये क्या है आपका, नॉर्मल है, ये क्या है, नॉर्मल सेल कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते जाइए, अब कैंसर के प्रकार की हम बात करते हैं, भाई कैंसर के कितने प्रकार होते हैं। तो कैंसर के आपके फिलहाल तो यहाँ पर छह लिखी हूँ, लेकिन छह के भी कुछ कुछ टाइप और भी होते हैं, तो फिलहाल इतने की हम बात करेंगे, ठीक है। तो पहला क्या है, सार्कोमास, पहला क्या है भाई, सार्कोमास होता है, कार्सिनोमास होता है, ल्यूकेमियास होता है, लिम्फोमास होता है, मेलिनोमास होता है और गिलियोमास होता है, ठीक है। तो ये कैंसर के कुछ प्रकार हैं जिसको आपको याद रखना है, क्योंकि बेटा ध्यान रखना ये पेपर में एग्जाम से पूछा जाता है कैंसर के प्रकार, तो आपको याद होना चाहिए कि सार्कोमास होता है, कार्सिनोमास, ल्यूकेमियास और लिम्फोमास, मेलोनोमास और ग्लियोमास होता है, ठीक है। चलिए एक एक के बारे में समझते हैं भाई, कैंसर के प्रकार को एक एक को समझते हैं, कहाँ पर कौन सा कैंसर होता है। तो सबसे पहले आते हैं सार्कोमास, ठीक है। तो ये कैसा कैंसर है, जो संयोजी उत्तक का कैंसर है, कनेक्टिव टिश्यू वाले सेल्स में जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ठीक है, संयोजी उत्तक जो होते हैं उसमें होता है, जब कम, बहुत कम परसेंट में होता है, यानी कि 2% व्यक्तियों में ही ये होता है, ध्यान देना, ठीक। दूसरा आता है कार्सिनोमास, जो होता है यह एपिथेलियल कोशिका, जैसे कि स्तन ग्रंथि हो गया, लंग्स की हम बात करें तो लंग्स में कैंसर होता है, पता है आप लोगों को, अग्नाशय की बात करें चाहे अमाशय की बात करें, सबसे ज्यादा जो होता है, ज्यादातर लड़कियों आप सुने होंगे स्तन ग्रंथि का कैंसर हो गया, लंग्स का कैंसर हो गया। भाई साहब आप खाते हो, क्या खाते हो,
तलब खाते हो, विमल चाट मसाला पता नहीं कौन सा मसाला खाते हो, विमल पान मसाला, तो कैंसर तो होगा ही ना। फूक रहे हो, सिगरेट को फूक रहे हो, बीड़ी जला रहे हो, बीड़ी जलाइले करते रहते हो, तो ये सब क्या है? यही सब तो कैंसर का कारण है, ठीक है। तो इसी के वजह से सारा कैंसर हो रहा है आपका स्तन में, चाहे फेफड़े की बात करें, चाहे मांसय की, ये सारे कारण है। तो 85% जो कैंसर इसी के कारण ही होता है। कौन सा कैंसर बोलते हैं इसको? कार्सिनोमास कैंसर कहते हैं, ध्यान देना। नेक्स्ट आता है लिम्फोमास कैंसर कहते हैं। ये लिम्फ नोड यानी कि लिम्फ लसिका उत्तकों में पाया जाने वाला कैंसर होता है। ल्यूकेमिया की बात करें तो ये ब्लड में होने वाला कैंसर यानी कि रुधिर कोशिकाओं में पाया जाने वाला किसको बोलते हैं? ल्यूकेमियास कैंसर बोलते हैं, ठीक है। और ये इसको हम रुधिर कैंसर के भी नाम से जानते हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। मेलेनोमास कैंसर की बात करते, ल्यूकेमियास कैंसर भी दो टाइप के होते हैं, मेलेनोमास होता है, ग्लियोमास होता है। तो वर्णक कोशिकाओं में यानी कि पिगमेंट सेल्स में होने वाले जो कैंसर होते हैं जिसको हम कहते हैं मेलेनोमास कहते हैं, ठीक है। और तंत्रिका कोशिकाओं में होने वाले कैंसर को हम क्या बोलते हैं? यानी कि नर्व सेल्स में, इसको हम कहते हैं ग्लियोमास कैंसर कहते हैं, ठीक है। आई होप ये टॉपिक आप लोग को समझ आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं, देखिए कुछ डायग्राम से देखते हैं। ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? लंग्स का कैंसर, देखो। और पियो फूको, पीना है ना, बियर पियो, दारू पियो, तो क्या होगा? कैंसर ही ना होगा, ठीक है। या फिर आप बात करोगे किसका, आप फूक लो भाई, बीड़ी जला लो, या फिर आप सिगरेट जला लो, ये सब क्या है? हुक्का हुक्का, पता नहीं आजकल क्या क्या नमूना निकल गया है। तो ये सब पीने की वजह से तो आपका क्या हो जाता है? लंग्स जो है डैमेज हो रहा है, देख रहे हो ना, कभी ब्रेस्ट डैमेज हो रहा है, कभी लंग्स डैमेज हो रहा है, पूरा काला काला पड़ जाता है। तो ये क्या है? कैंसर का कारण है लंग्स कैंसर। ये है आपका ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट में होने वाला कैंसर होता है। तो ये है भाई, अनकंट्रोल ग्रोथ हो गया सेल्स में, तो फिर ये ब्रेस्ट कैंसर भी हो जाता है, ठीक। चलिए यहाँ पर देखिए, ये ब्लड का कैंसर हो गया, ब्लड में होने वाला कैंसर, इसमें भी सेल्स डिवीजन हो रहा है। और ये नर्व्स में होने वाला यानी कि तंत्रिका कोशिकाओं में होने वाला ये कैंसर होता है। चलिए आगे देखें, कैंसर का क्या कारण होता है? और धूम्रपान करोगे तो कैंसर तो होगा ही, तो है आपका धूम्रपान के कारण मुख का भी कैंसर। देखे होगे ना, वो जो आप पिक्चर देखने जाते हो तो सबसे पहले पर्दे में यही दिखाता है, धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक होता है। तो ये वही चीजें है, फेफड़ों का कैंसर दिखा दिया, सुपारी खा लो भाई, ठीक है। ज्यादा उम्र में हार्मोनल संतुलन बिगड़ेगा तब भी क्या होगा? कैंसर हो जाता है, सबको पता है। वायरस के संक्रमण, कौन सा वायरस? रेट्रो वायरस, ठीक है। क्या? रेट्रो वायरस के कारण होता है भाई संक्रमण। तो फिर ये हो गया वायरस का संक्रमण। उत्परिवर्तन, जीन का म्यूटेशन होता है, जीन उत्परिवर्तन हो जाता है, तो भी क्या होता है? कैंसर होता है। रेडिएशन, सूर्य का अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती है वो भी क्या करती है? रेडियो जो किरणें होती है, यूवी रेस, ये भी क्या करती है? कैंसर उत्पन्न करती है। तो ये क्या है? कुछ कैंसर के कारण होते हैं। तो ये बोलो जुबा केसरी, है ना, ये यही तो करते हो, बोलो जुबा केसरी, है ना। तो खा और बोल, कैंसर तो होगा ही, ये सब करने से तुम नहीं खाना है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। चलो ये है कुछ वायरस का है, आगे देखते हैं क्या है भाई। चलो हमारा ये तो टॉपिक खत्म हो चुका है, मुझे लगा था कुछ और भी बता दूं, तो फिलहाल हमारा टॉपिक कैंसर का खत्म हो गया और यूनिट थर्ड का जो पहला जो हमारा लेक्चर है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप ये टॉपिक आप लोगों को समझ आया होगा, आशा करती हूँ ये बहुत अच्छे से आप इसको समझ गए होंगे, कैंसर सेल क्या होता है, उसके टाइप, उसके कारण क्या होते हैं, इन सारी चीजों को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए भाई मुझे इजाजत दीजिए, पूरा डिटेल पढ़ना अगर आप चाहते हो तो आप मुझे कहाँ जाके मिलोगे? मेरे एप्लीकेशन पे जाओ, वहाँ पर पूरा डिटेल मैं वहाँ पर बताई हूँ, तो वहाँ पर आप मुझे मिल सकते हो और पूरा मैं डिटेल वहाँ बताई हूँ, उसको पढ़ सकते हो। क्योंकि अभी तो सिर्फ शॉर्ट नोट्स जैसे चल रहे हैं, पूरा डिटेल जानना है तो हमारे एप्लीकेशन अभिप्सा में जा करके देखिए भाई, ठीक है। तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं हमारे www.abhipsha.in में, या फिर हमारे प्ले स्टोर पर भी जा करके आप अभिप्सा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।